जय गुरु गोरखनाथ। अगर पति पत्नी के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमेशा पति पत्नी के बीच में क्लेश रहता है, तो उसके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त रामबाण टोटका आज आपके लिए लेके आए हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको देसी कपूर का बंदोबस्त करना है, आप देसी कपूर ले आइए, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। अगर पति को करना है तो वो देसी कपूर का प्रयोग करेगा, और अगर पत्नी को ये प्रयोग करना है तो उसे चाहिए कि वो काम्या सिंदूर का बंदोबस्त कर ले, काम्या सिंदूर ले आए। बस करना इतना ही है। अगर पति इसको कर रहा है तो वो देसी कपूर को अपनी पत्नी का पलंग या बेड जो भी है उसके सिरहाने, तकिया के पास या तकिया के नीचे देसी कपूर रख दे। और दूसरी तरफ अगर पत्नी ये कर रही है तो पत्नी काम्या सिंदूर की वो जो डिब्बी है वो अपने पति के सिरहाने या उनके तकिए के पास रख दे। अब सुबह उठ के आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। सुबह उठ के पत्नी काम्या सिंदूर जो लिया है उसको थोड़ा सा अपने नहा धोकर वो काम्या सिंदूर का थोड़ा सा पार्ट अपनी मांग में डालेंगी, और बाकी का जो सिंदूर है वो सारे घर में बिखेर देना है। और पति को क्या करना है, पति नहा धोकर वो जो देसी कपूर है उससे भगवान शिव की आरती अपने घर पे ही करेंगे। जी हाँ, यानी वो कपूर जलाना है अपने मंदिर में, घर के मंदिर में एक तरह से भगवान शिव की आरती करनी है। बस इतना सा करना है। जो पति पत्नी के बीच मन मुटाव बढ़ता जा रहा है, उनके बीच जो झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, उनके बीच जो क्लेश दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, वो एकदम धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और ध्यान दें, ये क्रिया आपको रविवार को करनी है। जी हाँ, रविवार को और सोमवार को की सुबह जो क्रिया सुबह करने वाली है वो करनी है। ये टोटका बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी है, और बड़े ही चमत्कारिक रूप से असर दिखाता है। ये आप अपने जीवन में डाल लें इस नियम को, और फिर देखें किस तरह आपके जो गृहस्थ जीवन है, पति पत्नी का जो संबंध है, प्रेम संबंध है, उसमें कितना आराम, कितना इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। झगड़ा एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्लेश दूर हो जाएगा, और आपसी संबंध में गहराइयाँ, प्रेम बढ़ेगा। गृहस्थी बहुत ही अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चलेगी और आनंदमय बीतेगी। आपका जीवन आनंदमय बीते, आपकी गृहस्थी में मंगल ही मंगल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरु गोरखनाथ।